चतरा प्रखंड में पैसे का स्रोत कहीं से नहीं है, और जब तक पैसा नहीं होगा तब तक, जब तक धन नहीं होगा आदमी आगे नहीं बढ़ता है। कुछ लोग के पास है तो उससे कुछ होने जाने को नहीं है। आप देखे होंगे कि चतरा में 13 करोड़ का 85 में कथ बरामद हुआ था, वो 13 करोड़ में 13 पैसा के बराबर भी चतरा के लिए कोई फायदेमंद नहीं हुआ। न उस पैसे कोई पैसे से न कोई स्कूल खुले न कॉलेज खुले। मैं एक काम आज आपसे आग्रह पूर्वक आपके जिम्मे छोड़ता हूँ कि चतरा कॉलेज चतरा में बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है। 1961 मेरे जन्म से 4 साल पहले चतरा कॉलेज की स्थापना हुई थी, और झारखंड का एक चतरा ही एक ऐसा जिला है जहाँ पर चतरा कॉलेज चतरा में अभी तक बायोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है, न इंटरमीडिएट में न डिग्री में। मैं चाहूंगा कि अगर एक काम आज सफल हो गया चतरा के लिए, मैं आग्रह पूर्वक कहूंगा कि इस सदन में सब कोई हाथ उठा करके एक चीज की इस प्रस्ताव को पारित करें। चतरा एक इकलौता कॉलेज है। दूसरी बात है कि जब इरिगेशन होगा तभी एजुकेशन होगा, क्योंकि आप फैक्ट्री लगाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ही फैक्ट्री के लिए व्यवस्था कर सकती है। और मैं अवकाश से बात नहीं जायजे करूंगा मंत्री महोदय कि आप यहाँ पर तो मैं जायजे किसी की प्रति टीका टिप्पणी करने से मैं बचता हूँ। बाहर में रहता कोई पॉलिटिकल मंच होता तो मैं बहुत कुछ बोल सकता, जो संभव नहीं है उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा। एरिगेशन की व्यवस्था आप करवा दें, और एरिगेशन की व्यवस्था प्रत्येक पंचायत में आप कम से कम 10-10 डीप बोरिंग दिवा दें, यही मेरे लिए काफी होगा। और मैं समझता हूं कि ये कोई बड़ी चीज आपके लिए नहीं है, किसी का व्यक्तिगत नहीं होगा। एक ग्रुप बना करके एक 25 एकड़ 10 एकड़ पर एक बोरिंग दे दें, उसमें कोई भेदभाव नहीं, पानी तो सबके खेत में जाएगा ही, और जब जाएगा मुश्किल से एक डीप बोरिंग में आपका खर्चा करीब करीब 8 से 10 लाख रुपए के आसपास होगा, और 10 एकड़ सिंचित हो जाएगा। और उन्हीं जगहों पर लगाया जाए जिसके आसपास नदी नाला हो या तालाब हो, ताकि उसका जल स्तर बरकरार रहे। और मैं ये भी कहूंगा कि चतरा ब्लॉक का चारों तरफ से रास्ता खुला हुआ है, इसको एक बाउंड्री करवा दिया जाए। क्या वीडियो साहब, इसको आप पारित कर दें? सीओ साहब बिल्कुल, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, सब जगह बाउंड्री है हर एक पूरे जिले में, और इसके लिए पैसा भी है। आप थोड़ा सा 2 लाइन लिख करके दे देंगे तो ये किसी न किसी मत से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे जैसे व्यक्ति को आप लोगों ने मौका दिया।